ठीक है, मेरे को जाना भी नहीं है। पूनम पांडे का एक्सपेक्टेशन नहीं था भाई, वो 24 घंटे कैमरे ऑन होते। टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन पायल मलिक लफा सेंट्रल थगेस एपिसोड 6। एपिसोड 5 में आई थी, उस पर हम रिएक्ट किया भाई, बिकॉज वो एपिसोड बहुत लंबा है, तो उसके लिए दो वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, एक मेन चैनल पे आएगा, एक सेकंड पे आएगा। तो आज एपिसोड 6 पर रिएक्शन देते हैं। इसमें हमारी गेस्ट है अरमान मलिक की बहन पायल मलिक, जो अरमान मलिक जो अभी बिग बॉस में। ओके, लेट्स वॉच जल्दी फटाफट, देखते हैं भाई, सब काम भी खत्म करना है अभी। जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करने थे रात 11 बज रहे हैं, बिकॉज 12 सेकंड्स आई एम सो लेट, सॉरी, बाय द वे सॉरी। अभी देखते हैं, उससे भले तीन, लेकिन यही जब बीवी की बात हो ना तो अच्छे अच्छों की बच जाती है बीन। आ गए थगेश भाई, महेश केशवाला, क्या महेश केशवाला एके थगेश, वेलकम टू लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 6। पतन चला भाई, एपिसोड 1 से लेके 6 का आ गया, देखो कब तक चलता है सीजन। 6th एपिसोड आ गया एंड फाइनली मैंने स्पॉन्सर की उम्मीद छोड़ दी। एंड आई नो आपको बहुत ज्यादा मजा आता है सस्पेंस में कि पता नहीं अगला गेस्ट कौन होगा। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे भी नहीं पता, मेरे को धार इंतजार रहता कि अगला एपिसोड में कौन सा गेस्ट, ताकि नेजी भाई को याद रहे कि उसने क्या बोला था। बाय, आई नो बिग बॉस का ये सीजन उतना नहीं चल रहा, बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन मैं कर रहा हूं। हम देख रहे हैं बिग बॉस पहले से ज्यादा एग्जाम दे दो पढ़ रहे ना। यूजुअली जो लोग होते बिग बॉस में जाते क्योंकि उन्हें नाम बनाना होता है। आज की जो हमारी गेस्ट है बिग बॉस में गई थी सिर्फ खाना बनाने, अब पायल मलिक हो ना यार, खाने की जगह कंटेंट परोसती ना कभी ट्रेन में घर नहीं जा रही होती। आप इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि साली कभी कभी आधी घरवाली नहीं होती, पूरी भी होती है। आप अकेले जा रहे हो क्या, एक टिकट पे तीन लोग ट्रैवल नहीं कर सकते ना? और जी तू जगह ले रहे ना, तुझे तो दो टिकट लेनी चाहिए। अब एक दूसरे को करेंगे ये रोस्ट। के नाम गहने रखते हैं, जमीन रखते हैं, पैसे। इन्होंने YouTube चैनल्स रख दिए। YouTube चैनल्स रख दिए किसके नाम पे? वीडियो फैमिली WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दो, मिलियन व्यूज आ जाए। और तेरा लास्ट वीडियो मैंने देखा था, फैमिली को दिखाने के लायक भी नहीं था। क्या पूनम पांडे के साथ था लफड़ा सेंट्रल? लड़के की भाई लाइफ हो तो ऐसी लड़िए, यू डिजर्व बेटर। बट यार आपकी लाइफ में बहुत बुरा हुआ, आपको बिग बॉस जाना पड़ा था। लोमड़ी को ना अंगूर हमेशा खट्टे ही लगते। इनकी लाइफ अगर आपने फॉलो नहीं किए तो ब्लॉगिंग पे बेस्ड है एंड शादी पति पत्नी और वो जाने दो। और कुछ बोलूंगा तो अरमान बाहर आके मेरे को भी मार देंगे। तुम तेरी हरकतें भी ऐसी हो रही है मार खाने वाली। सो गाइस वेलकम टू लफड़ा विद पायल मलिक। लफड़ा विद पायल मलिक एपिसोड 6 सर्वर सेंटर आ गई। इससे पहले वाले एपिसोड में थी पूनम पांडे। मेरे को भी लफड़ा सेंट्रल में जाना भाई, मेरे को मुंबई तक पहुंचा दो। कमाल कर दिया भाई ने हमारे। हेलो, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा ऐसे मेरे को डर लग रहा था कि रोस्ट वोस्ट बना के रखे मैंने। अरे कोई बात नहीं, वो तो आपका काम है। हाँ, और काम के लिए थोड़ी कुछ बोलूंगी। आप देखती हो रोस्ट वीडियोस वगैरह आप पे जो बनते हैं? हाँ, आपने हमारे ऊपर रोस्ट किए हुए तो देखती हूँ मैं। आपके अलावा भी बहुत लोग हैं जो हमें रोस्ट करते हैं। एक पॉइंट पे सबने किया है, सबने किया। तो क्या चल रहा है लाइफ? रोस्ट वीडियो जो बनाने का काम है, यूट्यूबर का काम है। बच्चों के साथ मजा आ रहा है, घर में 24 आवर्स लाइव देख रहे हैं बिग बॉस, अरमान को, कृतिका को, बाकी सभी घर वालों को इंटरेस्ट आ रहा है कि अब कौन टॉप 5 पे पहुंचेगा, कौन 3 पे पहुंचेगा, कौन ट्रॉफी लेके आएगा। मुझे लगा थोड़ा सा बीटी में हो गया थोड़ा। कोई भी इस बार बिग बॉस का सीजन देते हैं, मेरे को सिर्फ कंटेंट निकालना है उससे। बिग बॉस में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, चल तो बहुत कुछ रहा है, पर कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। नहीं सकते कि ये करना है, ये नहीं करना है। थोड़ा सा बता के आगे उसमें तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो जाएगा। ऑलरेडी छोटे से टॉपिक को बता के आई थी और वहाँ पे इतना बड़ा बवाल हो गया। तो अब बहुत कान पकड़ लो, अगर बुलाएंगे भी दोबारा कि जाके कुछ बोलो तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं नहीं बोल सकती। एक्चुअली जाने का आपको क्या लगता है? नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, ऑलरेडी आपका इतना सब कुछ अच्छा है। पहले हमें भी ऐसा लग रहा था कि नहीं बिग बॉस जाएंगे, बिग बॉस जाएंगे, बिग बॉस जाएंगे, पर अभी जाके ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने बिग बॉस जाके, क्योंकि लोग अच्छी चीज़ को भूल जाते हैं और बुरी चीज़ को लेके ज़्यादा ट्रोल करते हैं। राइट, तो वही जो ट्रोलिंग है तो बहुत सारे आप करते रहता है, बहुत सारे आपसे एलिगेशन लगते हैं, अरमान पे लगते हैं।
कि आप बिग बॉस में नहीं प्रायोरिटी नहीं हो जी, ये बहुत लोगों ने बोला बिग बॉस के बाद आपको सिर्फ खाना बनाना है। एलबी सादो को उल्टा सीधा बोला तो उस पे भी वीडियो बना दिया ना त्रिपाठी थर्ड वाइफ ढूंढ रहे हैं 20 मिलियन सुपर चल गए। तो ये सारे एलिगेशंस के जवाब देने पड़ेंगे हमारे पहले सेगमेंट, ठीक है जी बिल्कुल। अगर आपको कोई स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप जो भी कुछ पूछेंगे उसका स्ट्रेट जो भी मुझे जवाब देना है या जो मैं सोचती हूँ मैं दूंगी, ठीक है लेट्स मूव। सो वेलकम पायल जी, थैंक यू। और आप पे बहुत सारे एलिगेशंस हैं ओके, एंड अभी हॉट टॉपिक तो बिग बॉस ही है, अभी तो वही चल रहा है मार्केट में, तो उस रिलेटेड है कुछ एलिगेशन वही चलेगा ये मार्केट में भी, हिट टॉपिक बिग बॉस ही है, बिग बॉस ओटीटी। पहला है आपकी वजह से विशाल का अरमान के साथ झगड़ा हुआ बिग बॉस। मेरा ये कहना है इस पे कि मेरी वजह से नहीं, अरमान मलिक तो सिंगर भी है ना भाई, ये मलिक जो दाढ़ी वाला बुड्ढा टाइप का आदमी है वो गया था बिग बॉस में, अभी वो घर में ही होंगे। इससे पहले भी विशाल जब मैं उस घर, वो बोलता था कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे उस टाइम पे वो चीज़ें गलत नहीं लगती थी, तो हम उस टाइम के लिए मैंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन एक वीडियो जो है भाई ये बहुत बुरी चीज़ है, बिग बॉस में जाना बुरा बात नहीं है पर करना किसी भी टॉपिक पे ये बुरा चीज़ है। आगे देखिए, इसमें बार बार कृतिका जिम कर रही है और वहाँ पे विशाल बोल रहा है कि कृतिका को देख के, और वो जो जिस तरीके से देख रहा था वो अच्छा नहीं लगा मुझे, और उसने बोला भैया बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप एक जगह बोल रहे हो कि मैंने भाभी को उस नज़रिए से नहीं बोला, मैं उनको भाभी माँ की नज़र से देखता हूँ, अगर आप भाभी उस कृतिका को माँ की नज़र से देख रहे हो, क्या आप अपनी माँ के लिए ऐसा बोलोगे, आप अपने फादर को बोलोगे कि आप बहुत भाग्यशाली हो? मुझे तो ये बहुत गलत लगा, ठीक वही चीज़ मैंने वहाँ पे बोली और शायद इसी वजह से वो झगड़ा हुआ। इससे पहले अगर मुझे कोई पूछता विशाल के लिए तो मैं, क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ, एडिटिंग भी बेसिक है, थंबनेल भी ठीक ठाक है, वो यही बोलता मोर देन 1 मिलियन प्लस व्यूज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर कहीं कहीं ये नहीं, पूनम पांडे भी आई थी लफड़ा सेंट्रल का एपिसोड 5 में, तो उसके भी हम बहुत ज्यादा रिएक्शन देंगे। बुरा लगा तो मैंने वो वीडियो आ, तो देखो फ्राइडे है 12th जुलाई है, अब है हसलिंग मिश्रा। तुम्हें लग रहा है विशाल की नज़र से विशाल ने ठीक बोला है, पर अगर यही काम अरमान करता तो अरमान तो पहले ही ठरकी है, उसकी तो नज़र ही खराब है। तो ये दो थॉट क्यों है, आप इक्वल रखो ना, अगर अरमान ने किया है तो गलत है, विशाल कर रहा है तो सही है। अरमान पायल जी को सिर्फ खाना बनाने के लिए, थगेश भाई ने भाई प्रोडक्शन पे कहा थगेश शो, और ये जो शो है उनका लफड़ा सेंटर, मेरी बाकी एक्टिविटीज जो अगला शो कौन सा होगा आई ही नहीं गई, आप गैस करो और कमेंट सेक्शन में सब कुछ जल्दी से, किसको कितना दिखाएं वो उनको अपनी तरीके से देखना पड़ता है। पर मैं वहाँ पे मस्ती भी करके आई हूँ, दोस्ती भी बना के आई हूँ, और मेरा मिनी ब्लॉग आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में अपना स्वयं मिसाल लाइफस्टाइल वाला इंस्टा टैग लगा, वहाँ भी मैं बोल वहाँ देख सकते हो, तो वो चीज़ दिखाई नहीं गई है, तो लोगों को दिखाया ही गया कि मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए गई थी और खाना बना के ही बाहर आ गई। ओके, तो शिवानी का टॉपिक निकला है तो वो भी एक एलिगेशन है कि आपको शिवानी, मुझे शिवानी स्टार्टिंग में फेंकने लगी थी क्योंकि हम शिवानी जो गाँव की लोग शिवानी हमारी शादी में आई थी, तो शुरुआत में मुझे फेंक नहीं लगी, लेकिन जैसे जैसे दीपक जी की और मान जी की जब फाइट हुई थी तब भी वो बीच में आके कूदी क्योंकि उसे कैमरा की अटेंशन चाहिए थी। फिर ऐसे बहुत सारी जगह पे जो है वो भी खुद कूद जाती है, सब लोग अरमान के लिए बहुत जाता है फेम पाने के लिए, फेम जिसका करियर खत्म हो जाता है वो जाता है बिग बॉस के अंदर, पर मुझे लगता है कि पहले उसको ले ले तो खेल रही थी, पर जैसे जैसे उसको समझ में आ रहा है मैंने को लेगा बिग बॉस में जैसा क्या लगता है बताओ, तो अब मुझे ऐसा लगा कि वो अब फेक नहीं किया भाई, रात के 11 बज रहे जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरा कहना समझ लो भाई कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं इसका बहुत सारा और भी काम स्टार्ट होगा आपकी फैमिली का, एडिट थंबनेल वगैरह बिग बॉस में इमेज क्लीन करने गए। इल्जाम लगाने वालों को तो देखो मैं मुंह बंद नहीं कर सकती हूं, पर ये बिल्कुल गलत है। हमारी इमेज जो थी, हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली जो हमें जानती है, जिनके वजह से हम आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है पहुंचे हुए हैं, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि इमेज क्लियर नहीं। हमने शो में भी ये बात बोली है कि जब लोग हमें मिलते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है, पायल मलिक सही बोल रही हैं, जैसे आप कैमरे पे दिखाते हो क्या आप में सच में इतना प्यार है, बस वही दिखाने के लिए हम अपने फेक यूट्यूबर बस कैमरा पे प्यार दिखाता है वीडियो के अंदर, और कोई और कैमरा बंद होने के बाद कोई प्यार नहीं, बस ऑन कैमरा सब कुछ, ऑफ कैमरा कुछ ज्यादा खराब हो चुकी है। लोगों ने इतनी बुरी इमेज कर दी है कि हम कितना भी अच्छा कर लें पर वो इमेज ठीक नहीं हो सकती। हम दो घंटा पढ़ाई करेंगे, कैमरा ऑन करके वीडियो बना के डाल देंगे यूट्यूब पे, लोगों को लग रहा है कि पायल जी अरमान की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है,
बिग बॉस में ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारी जगह, मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं एक हफ्ते से कम वहाँ पे रही हूँ और मुझे सारा जो मेरा किचन पे था, अब कई चीजें ऐसी हुई जहाँ पे सिर्फ मैं पायल मलिक मैम से बिग बॉस के घर में खाना बनाने गई थी, खाना बना के आ गई, मैं नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अरमान मेरे को और कृतिका को इक्वल रखते हैं हमेशा, चाहे प्यार हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो जैसे घर में जो भी कमा रहे हैं वो दोनों के इक्वल जाता है। तो ऐसा कहीं मुझे नहीं फील हो रहा, पता नहीं आप लोगों को क्यों फील हो रहा है। शायद ये जो आप छोटी छोटी क्लिप देखते हो उसको देख के ये सब आप बोल रहे हो। आप बिग बॉस OTT 4 आएगा, अभी 1, 2, 3 आ चुका है। अपने फीलिंग्स को दबा के रखती है ताकि आई होप 4 बहुत अच्छा हो ना। कोई भी ऐसी बीवी नहीं होगी जो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट ना करे, पर हम बिग बॉस नहीं देखते ऑनेस्टली। अपने आने वाले मिनी व्लॉग्स में भी अगर हम बिग बॉस से थोड़ा बात कर देंगे तो बात अलग है। हम बिग बॉस पर्सनली नहीं देखते, बिग बॉस बहुत बेकार शो है। मेरी ब्लॉगिंग है, उससे अच्छा आप देख लो कुछ और। जब मैं दुखी होती हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ। मैंने क्या फील किया मेरी लाइफ में जब ये सब हुआ मैंने वो भी बताया, हमारी पूरी स्टोरी वहाँ पे है। तो मैंने, मुझे नहीं लगता पायल मलिक के यूट्यूब चैनल पर जाओ, उनकी सारी स्टोरी उन्होंने अपने हर लेटेस्ट ब्लॉग में, हर लेटेस्ट वीडियो में बता रखी है बिग बॉस के घर में क्या क्या हो रहा था। इल्जाम है कि और अभी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, वो इसलिए लग रहा है लोगों को कि जब और देखो मुझे थोड़ा एडिटिंग करने में थनल नहीं बना थनल बात हो रही थी तो वहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना भूल गई, मुझे शायद वो बोलना चाहिए था वहाँ पे कि मैंने बहुत बुरा समय देखा है अपने बच्चे के साथ अलग रही हूँ। जब हम लोग सेपरेट हो गए थे, एक सवा साल हम लोग अलग अलग हो गए थे, तो मैं वहाँ पे स्टेज पे उस चीज़ को याद करके हालत खराब हो, तो मुझे शायद जाते जाते ये बोलना चाहिए था कि जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं अपनी फैमिली और कृतिका अरमान और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। वो एक सेंटेंस वहाँ पे बोला रह गया, तभी लोगों को ऐसा लग रहा है। एक्चुअली पायल जी अरमान के साथ इसलिए है, प्यार की वजह से नहीं बल्कि बेटे की फिक्र है उस वजह से है। ये भी बहुत गलत इल्ज़ाम है मुझ पर। अगर प्यार नहीं होता, सिर्फ बेटे की फिक्र होती, तो आज मैं अपने पैरों पे बहुत अच्छे से स्टैंड, मैं आज भी छोड़ के जा सकती हूँ अगर प्यार ना हो। हर रिश्ते को चलाने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी होता है, मेरे और अरमान के रिश्ते में है, प्यार है, तो ये इल्ज़ाम गलत है। आप तीनों का रिलेशनशिप रिलेशन नहीं, समझौता है। अब देखो ये तो हर किसी को लगेगा क्योंकि एक रिलेशन में दो समझौता ही किया था ना, मैं चाहूंगी ना कोई और औरत चाहेगी कि उसके हस्बैंड की दो वाइफ हो। शुरुआत में हमने समझौता किया है इस रिलेशन को लेने के लिए, लेकिन जैसे 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 हम रहने लगे तो वो समझौता जो है प्यार है, सब कुछ हमारी दुनिया है, तो वो समझौता नहीं है। आप अगर पहले आप बोलते तो आप समझौता इस रिश्ते को बोल सकते थे, पर अब ये समझौता नहीं है, हमारा प्यार है और यही हमारी दुनिया है। पायल बिग बॉस के बाहर होकर भी बिग बॉस को मिल्क कर रही है, व्यूज खींच रही है। ऑब्वियस है खींचूंगी क्योंकि मेरे दो फैमिली के दो मेंबर अभी भी अंदर है, तो जब तक मैं उनको बाहर से सपोर्ट नहीं करूंगी तो अंदर कौन, वैसे ऑलरेडी लोग जितने बहुत अच्छे कर रहे हैं, पर मैं तो खींचूंगी भाई, मेरा काम है, मेरे लोग बैठे हैं अंदर, क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और होगा किसी की फैमिली का मेंबर अंदर है तो वो भी। क्रीम और हस्बैंड में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। कमेंट में बताओ किसी क्या होता है, कंटेंट चेक। आपने बोला शिवानी गरीब होने का नाटक कर रही है, जैसे आप शादी में खुश होने का नाटक कर रही हो। नो कमेंट्स। ओके, बट आपको शिवानी के बाल में जुए नजर आ गई थी, एकदम एकदम बारीकी से आपने जुए देख ली थी। इतनी पहला वीडियो पे रिएक्शन दे इसका एपिसोड 5 पे पूनम पांडे के साथ। बट लोग कहते हैं कि औरत ही घर को घर बनाती है। मैंने आपके व्लॉग्स देखे, कितने लोग हैं, पीजी बना दिया आपने तो, पूरा गांव परिवार है हमारा सारा। बट मुझे लगता है ना कि आपको तो वापस जाना चाहिए। 5 मिनट मिल जाएगा, 5 मिनट। बट थोड़े और हम आ जाएंगे, डांट कर। बट नहीं, सुबह कुछ नहीं खाएंगे, सुबह जाएंगे। मैं खुद समझ नहीं आता मैंने घर तुम खिलाओ ना हमारे, कोई 5 मिनट दे दो हमारे। एक चीज तो है, कितना भी हम कहे, कितना भी लोग क्रिटिसाइज करे, आपके रिलेशनशिप का एक फायदा तो है, आपको अपने पति पे कभी शक ही नहीं होता होगा। हमको सब पता है कि नहीं, ये तो मानना पड़ेगा है कि शक कैसे होगा, आप तो घर पे ही दूसरी बीवी है तो शक कैसे होगा। नहीं तो वही है, बट थैंक यू सो मच पायल जी, सारे दोस्त को एकदम क्या हो क्या होता है।
आपको कैसा लगा एपिसोड में? मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। पहले आपने बहुत सारे रोस्ट किए हम पे तो गुस्सा आता, लेकिन न्यू बैगन का बड़ी की सब्जी ना इसलिए अच्छा लगा। हाँ वही खाए। और कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? ऑडियंस को मेरा एक ही मैसेज है कि जब भी आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसके तह तक जाइए, पहले जो है अपने ओपिनियन मत रखिए, बस इतना ही। तो आई थिंक दैट्स इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। दैट वाज पायल मलिक सारे टिल द नेक्स्ट एपिसोड में। सी सी साइनिंग आउट टुडे। वो हो गया एपिसोड खत्म होता है। बाय। बहुत मेहनत लगाई एपिसोड शूट करने में मेरे भाई को, हमारे प्रोडक्शन में बहुत खर्चा कर देते हैं हमारे भाई, कमा रहे थे करेंगे नहीं। बाय।